फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। राइट, आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज। जी हाँ, तो उसके लिए मैंने प्रेपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है। एक्चुअली टुडे आई एम गोना ऑर्गेनाइज अ शॉर्ट लिटिल गेट टुगेदर विद आवर नेबर्स, तो उसी के लिए सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा आपको। हमारे जो नागा फ्रेंड्स हैं आप वो भी देखेंगे, साथ ही क्या क्या मैंने बनाया है आज अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल फूड आइटम्स, वो भी आप ज़रूर देखेंगे, और किस तरह से हमने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको प्लीज़ आप पूरा देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैंगो केक बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम था नहीं ज़्यादा, तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लिए हैं सभी चीज़ों की कि मैंने क्या क्या बनाया। एक्चुअली सारी चीज़ें होममेड हैं, खुद ही बनाई हैं मैंने। यहाँ पर मैंने मैंगो केक लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा व्हीट फ्लावर डाला, मैदा डाला, और साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है, कर्ड यूज़ किया है, और द इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट हेयर इज़ मैंगो ग्लेस। वैसे मैंने ये वाली जो बॉटल आपको सामने दिख रही होगी वीबा की, मैंगो टॉपिंग की, वो यूज़ किया है यहाँ पर मैंने। तो बट ये ज़रूर है कि आप मैंगो जो होता है, आम होता है, उससे भी आप उसका जो पल्प होता है उससे भी ये बना सकते हैं मैंगो केक। साथ ही यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट केक भी बनाया, जिसके लिए इंग्रेडिएंट सारे सेम ही रहे हैं, मैदा वगैरह सब कुछ, कर्ड वगैरह वही सब चीज़ें रही है। बस जो फ्लेवरिंग है, फ्लेवरिंग मैंने यहाँ चॉकलेट की दी है, तो कोको पाउडर मैंने यहाँ यूज़ किया है। और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मेरे पास क्रीम नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट, जो आपकी डेरी मिल्क चॉकलेट होती है, उसको मेल्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है। साथ ही मैंने चेरीज का भी यूज़ किया है यहाँ पर। चॉकलेट एक्चुअली मेरे हस्बैंड का फेवरेट केक है, तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट केक बनाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इडली के साथ की जो रेड चटनी होती है वो ऑलमोस्ट बना ली है। इसको एक्चुअली मैंने टमाटो और अनियन, साथ में थोड़ी सी 3-4 मिर्चें और रेड मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपका थोड़ा सा तेल यूज़ किया मैंने इसके लिए। सो अभी तो मैंने सिर्फ रॉ पकाया है इसको, अच्छे से अभी नहीं हुआ है, इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर एक रेड कलर की चटनी, बहुत टेस्टी चटनी तैयार होकर सामने आएगी। इसमें हम थोड़ा सा अराउंड 3 or 4 टेबलस्पून्स हम नारियल का पाउडर भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी मैंने जो टमाटर और अनियन का मिक्सचर तैयार किया था, उससे उस पूरे मटेरियल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी रेड चटनी बन के तैयार है, बस इस पर अब तड़का डालना बाकी है। जब तड़का डल जाएगा, साथ में करी लीव्स पड़ जाएगी, तो ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इडली भी बनाई है, साथ ही मोमोज बनाए थे मैंने, और ब्रेड रोल्स भी आप देख सकते हो मैंने उनको कट कर दिया था। साथ में मैंने मिठाई बनाई, इट्स अ ब्लेंड ऑफ राइस फ्लोर विद डेसिकेटेड कोकोनट, चावल का आटा और कोकोनट की मिक्स करके मैंने यहाँ पर मिठाई बनाई, जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी यूज़ किया है कलर के लिए। Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you.